आप देख रहे हैं अपना समाचार। उस फिल्म की मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो जैसे मिलेगी वैसे उस फिल्म के बारे में ही बताऊंगी। बट आई एम श्योर अगर वो फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं अमरीश जी और उनकी टीम, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और उसी पर फिल्म बना रहे होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज है पूरी टीम के साथ। आप बता दीजिए, आपके दोस्त अक्षरा जी अनुवीर रखा गया है जिसमें अमरीश जी हीरो है। आप चूंकि लेट से पहुंची हैं, कुछ बताएं आपके कैसी दोस्त हैं और अमरीश? मेरी इस इंडस्ट्री में एक ही बहुत अच्छी दोस्त है अक्षरा, और मेरी सारी बेस्ट विशेज है उसको, पूरी टीम को। मैंने ट्रेलर देखा फिल्म का, पूरी फिल्म तो देख नहीं पाई, बट एक दिन समय निकाल के जरूर देखूंगी। एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी। पोस्टर ही आप लोग देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है और कितना एक नंबर लग रहा है, तो फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। और मेरी पूरी शुभकामनाएं है टीम के साथ। मैं धन्यवाद कहूँगा, और मैंने इनकी कीमती वक्त, इन्होंने एक्चुअली कहीं इनको भी कई प्रोग्राम में जाना था, लेकिन मैंने स्पेशली कहा कि आप विशेष और लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर टीम भी चाह रही थी कि अमरपाली जी आए। और आई होप कि मैं चाहूँगा कि ठुमका में ये करें, प्लानिंग दिसंबर की है, तो जस्ट अभी हम लोग कल से ही शूटिंग करने जा रहे हैं राजमहल की, तो हम लोग साथ में हैं एक फिल्म में, और उस फिल्म के दरमियान हम लोग स्टोरी और बहुत सारी चीजों की बातें और वर्कआउट होगा, और जल्दी आप लोगों के बीच में ये भी फिल्म साथ में करते नजर आएंगे। आई होप। क्या कुछ तैयारियां मैडम राजमहल के लिए? बहुत ही एक्साइटिंग स्क्रिप्ट है, और मैं चाहती थी कि ऐसा स्क्रिप्ट करूं। और जब हमारे डायरेक्टर बेलू जी ने जब ये कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि भले कितना भी डेट्स एडजस्ट करना पड़े, लेकिन इस फिल्म को करना चाहिए। और कल से वही फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेट्स होप ऑडियंस को भी उतनी अच्छा ही लगे जितनी मुझे अच्छी लगती है इसकी स्क्रिप्ट। इस फिल्म में और आपका खास कौन है? फिलहाल तो अमरीश जी के बारे में जानती हूँ मैं, अमरीश जी हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, सपोर्टिंग काफ़ी अच्छे लोग हैं, दीपक जी हैं और के जी हैं और मटू जी हैं, इत्यादि जो हमारे इंडस्ट्री के कहा जाए कि अच्छे पिलर हैं, और सारे लोग अपने आप में एक मजबूती बना के इस फिल्म को भी एक सहायता और सहयोग बन के खड़े हैं। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे आप? तमाम भोजपुरी के कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी। आज ही एक्चुअली, आज नहीं, पिछले 3 दिन से दिनेश जी की टीम बिहार में पहुंची हुई है, भागलपुर और बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर जहां पर बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है, और वहां पर जाके, और अभी यूपी में भी कई जगहों पर बाढ़ आई है, वहां पर भी जाके राहत के कार्य कर रहे हैं लोग। और मैं खुद तो वहां पर जा नहीं पाई, बट मॉनिटरली मैंने कोशिश की है मदद करने की, और मेरी प्रार्थनाओं में उत्तर प्रदेश बिहार पूरे टाइम है। एंड आई जस्ट होप महाराष्ट्र की भी बहुत सारी जगहों पर तबाही हुई है बाढ़ से, तो मैं बस यही प्रे करती हूँ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और लोग अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाए। नवरात्रि चल रही है, क्या कुछ नवरात्रि में अपने दर्शकों को कहना चाहिए? नवरात्रि के टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, दिन में भी पूजा, शाम में भी पूजा, बहुत सारा करना होता है। तो इस बार नवरात्रि के टाइम पे मैंने कोशिश की है कि मैं शोज ना लूँ और बहुत ज़्यादा समय घर पर पूजा करने में अपना इन्वेस्ट करूँ, वो ही कर रही हूँ, क्योंकि माता जी की कृपा से साल भर इतना बिजी रहते हैं, तो ये 9 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री रहूँ और घर पर पूजा करने पर फोकस कर सकूँ। बहुत सारी फिल्म है, अभी हमने निरहुआ द लीडर शूट की है, अभी राजमहल शूट करने जा रही हूँ, और रोमियो राजा शूट करने जा रही हूँ, तो बहुत सारी फिल्में हैं लाइन में, बस उन्हीं के ऊपर अभी काम चल रहा है। थैंक यू।